सत श्री अकाल अजीत वैब टीवी देखने वाले सारे ही दर्शकों का अजीत खबरों के अज के बुलेटिन दे विच स्वागत मैं हाँ कमलप्रीत सिंह ते रोजाना की तरह सब तो पहला जानते हैं अज दियां चुनवीं खबरां। लुधियाना के जनता नगर तो चार नाबालग लड़कियां लापता। शहीद कुलदीप सिंह का सरकारी सन्मानों नाल अंतिम संस्कार। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा नूं पंजाब का सुपर सीएम लगा दिता। हरसिमरत कौर बादल के तिखे तंज। पंजाब भर च रोडवेज ते पन बस कर्मचारियों ने दो घंटियां लई बस अड्डे किए बंद। नशे नूं लैके फरीदकोट पुलिस की वड्डी कार्रवाई, औरत समेत दो काबू। तो हुण इन्हां खबरां दा विस्थार ते बाकी दीआं अहम खबरां दी जानकारी। लुधियाना दे जनता नगर इलाके विचों चार नाबालग लड़कियां लापता हो गईआं ने, जिन्हां की उम्र 14 साल तो लैके 16 साल की दसी जा रही है। लापता हुई चारे कुड़ियां इको ही परिवार नाल संबंधित हैं, जिन्हां दे विचों दो सकियां भैणा अते दो चाचे दीआं कुड़ियां हैं। लापता लड़कियां की माँ ने रो रो के सारी गल दसी अते कहा कि ऐतवार शाम तो लड़कियां लापता हैं, उन्हां कोल कोई मोबाइल फोन भी नहीं है। उधर दूजे पासे थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस वालों मामला दर्ज कर लिया गया है। लड़कियां की भाल लई नेड़े तेड़े दे इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। मेरा नाम लक्ष्मी है। आपके बच्चे की उम्र कितनी? 14 साल की। कब की गैप है? संडे को। क्या बात हुई? बात कुछ नहीं हुई थी, काम करने को आ रही थी, काम करना जाऊंगी बोली थी माँ से आके। एक मेरी भतीजी थी, एक मेरी लड़की थी, एक और दो लड़की मेरी भतीजी थी लगती है मेरी भतीजी है, उन भी इकट्ठे रिश्तेदार भी है हम सारे, उनको भी ऐसे हाल वहाँ काम करना आई थी। उधर करती है काम, उन दोनों उधर करती थी काम, वहीं से काम करके पता नहीं तिनका क्या खुजम हो गया, वहाँ से कहाँ से निकली क्या निकली ये पता नहीं है। चार सहेली है, रिश्तेदार बहन लगती है दोनों। ये इंडस्ट्रियल एरिया बी तो सानू कंप्लेंट आई सी, चार पेरेंट्स आ उन्होंने कंप्लेंट की सी भी उन्होंने लड़कियां 10 तरीक तो मिस आ, तो इमीडिएटली असी इस चीज़ से एक्शन लिया वा। असी सीसीटीवी फुटेज तो देख रहे हैं इतों लड़कियां लोकेट हुई हैं, तो कितों तक अगों लड़कियां गई हैं सारा असी ट्रेस कर रहे हैं। और ये इन्हों जे पेरेंट्स के बयान के उत्ते परचा रजिस्टर किया जा रहा है। 10 तरीक दियाँ मिस है? एक परिवार दी नहीं जी, ये एक दू एक फ्रेंड्स आ, मतलब चारों फ्रेंड्स ने, तो एक गली च रहिंदियां इह लड़कियां। फिलहाल इन्हां दे नहीं, जो फुटेज नज़र आ रहा और जो इन्हां दे पेरेंट्स की स्टेटमेंट है भी घरों इकट्ठियां गई हैं। ये सानू जो इन्होंने इनफॉर्मेशन मिली असी स्पॉट पर पहुंचे हैं, सारा वेरीफाई किया, FIR दर्ज हो रही है, तो लोकेशन इन्हों दी अही अगू जितों जितों भी क्लू मिल रहा है उस लीड के हिसाब नाल अगे दी अगे तफ्तीश। जीरा नेड़ले पिंड लोहूके कला निवासी फौजी जवान कुलदीप सिंह पुत्र गुरबख सिंह दी चीन दे बॉर्डर ते ड्यूटी दौरान शहीदी मगरों अज उन्हां दी मृतक देह नूं फौजी जवानों वल्लों उन्हां दे पिंड लोहूके कला विखे लिआंदा गया। इस मौके कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी, नरेश कटारिया, विधायक जीरा वल्लों शहीद कुलदीप सिंह दी मृतक देह ते फुल्लां दे हार भेंट कीते गए ते उन्हां नूं आखरी सलाम कीता गया। उपरंत भारतीय फौज के जवानों वालों शहीद कुलदीप सिंह की मृतक देह को सलामी दी गई है, पूरे सरकारी सन्मानों के नाल अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पत्रकारों के नाल गलबात करदे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने कहा कि इस दुख की घड़ी विच पंजाब सरकार वालों परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, पंजाब सरकार शहीद कुलदीप सिंह के परिवार की हर सहायता लई वचनबद्ध है। सरहदां दे उपर इह फौजी जिहड़े ने हर वक्त तैनात रहिंदे ने और देश की सेवा लई रहिंदे ने, जिवें कि फौजी आ शहीद होए ने, इन्हां नूं प्रणाम है, सलाम है, इन्हां दे करके जिहड़ा है सारे असीं लोग करदे हां। और यही मैं कहना चाहांगा सरकार वल्लों नाम ते कोई शायद अपना पिंड दे विच कोई जगह बनाई है, हां जो पंचायत दा मंग होएगी जिवें उन्हां दा हुकम होएगा उहदे मुताबिक जिहड़ा हैगा नैचुरली शहीदां दा जिहड़ा हैगा समागम बनना चाहीदा और जिन्हें भी हर संभव कोशिश परिवार सरकारी नौकरी तुम पता है कि जो तक ओरी नौकरी बाकी सी पूरी तनखा मिलेगी जो परिवार है जिन्ना भी कर सकते उन्होंने बिलकुल ठीक है।
बिल्कुल जी, पिंड की सहमति, पंचायत की सहमति, परिवार की सहमति, सारे नगर के सहयोग न जिस तरह का कहने की करा। लौके पिंड साढ़े बहुत ही मान सत्कारयोग कुलदीप सिंह जी, जो देश की खातर शहीद हो गए ने। ठीक है, दुख भी है परिवार नूं, पर दूजे पासे इन्हां शहीदां ते माण भी है। इन्हां दे करके असीं अज बिल्कुल ऐ खुले खुल्लन तुर रहे हैं, क्योंकि इन्हां लोकां जिहड़े ये शहीद ने, नौजवान ने, ये बार्डरां दे उत्ते दिन रात राखी करते ने, ते इस करके ही असीं दुनिया दे विच आनंद मार रहे हैं। पर सानूं सारिआं नूं चाहीदा कितें भी शहीद कोई भी हो जाता देश की खातर, उहदा वध तों वध उहनां दे परिवार का सहयोग देईए। कह देना सौखा वा, पर उत्थे जाके वेखो ये किन्नी कठिनाई नाल उस पहाड़ियां दे उत्ते उहनां दे साथी दसदे आ वी उत्थे आक्सीजन की बहुत कमी आ, बहुत कठिनाई आ। इन्नियां कठिनाइयां चलदे होए ये जिहड़े नौजवान साढ़े देश की राखी कर रहे ने, सानू इन्हां ते बहुत गर्व है। असी सारे भरा रल मिल के इन्हां दे परिवार का पूरा साथ देवांगे। ते मैं सरकार साढ़े बहुत ही सत्कारयोग फौजा सिंह जी सरारी मंत्री साहब भी पहुंचे ने, इन्होंने भी दस्या वा कि जो सरकार दियां, क्योंकि पहला तो राशि बड़ी घट हुंदी सी, हुण सरकार ने 1 करोड़ रुपया करता है। कोई भी शहीद हुंदा उहदे परिवार नूं 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपये वा भी उह तां मिलना, ते जिन्ना चिर इन्हां दी नौकरी आ उह भी इन्हां नूं तनखाह मिलनी है। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 10-15% ਤੱਕ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ CM ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਧੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 500-500 ਗੁਣਾ 600 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ DCਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 10-15% ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਕਦਮ 500% ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਲੋਕੀ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ DC ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 500-600% ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ, ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 10-15% ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ।
लोग इस गल वास्ते भी सहमत है कि 15 की जगह तुसी 20 कर लो। डीसी साहब कहते 50% तो ज्यादा कितने बधाया ही नहीं है, लेकिन जेडे लोग इतने धरने च बैठे ने जे कोई तकलीफ नहीं होंगी तो उन्होंने 3 दिन धरना मारन की लोड़ नहीं पैंदी। सो वह चिट्ठी लिख के डीसी साहब नूं भेजणगे। मैं डीसी साहब नूं बेनती की है सरकार नूं जगाउन, जेडे होर कमां च किन्ने च मसरूफ ने। अज पंजाब दे कोल एक मुख्यमंत्री दा पंजाब दा हैगा, चलो नवा विआह होया शायद मसरूफ ने, लेकिन एक सुपर सीएम भी आ गया हैगा हुण तां राघव चड्ढा, एक तीजा केजरीवाल, 3-3 मुख्यमंत्री बैठे ने ते पंजाब नूं कल्ले करजाई करके लोकां नूं कंगाल करन दा काम नहीं करन, लेकिन इन्हें दुख तकलीफां भी 3 गुणा सुनिया जांदी चाहिए। मैडम टीएडीसी वाले भी धरने ते बैठे, धोबियां वाले भी बैठे ते किसान जिथे हुंदियां वी धरने ते बैठे, किवें देखदे हो? देखो कोई वर्ग नहीं हैगा जिहड़ा धरने च नहीं बैठा है। इनी वड्डी गिनती दे नाल, इनी वड्डी बहुमत दे नाल इह सरकार कामयाब लोकां ने कीती, क्योंकि बहुत वड्डा बदलाव चाहुंदे सीगे, लेकिन बदलाव इह तां किसे ने नहीं सोचा सीगा कि आ होगा कि दिल्ली दे गोडी आपां मत्था टेक के पंजाब नूं ही बेच डालांगे। अज चंडीगढ़ साडी राजधानी दा मामला, पहली सरकार है जिहड़ी अपनी राजधानी वास्ते अपना हक जता के लड़न दे बजाए कहिंदी सानूं भी नवां विधानसभा ते सानूं भी नवीं अदालत दे दिओ। इह जिस दिन तों सरकार बनी है भगवंत मान पहले दिन गया दिल्ली ते जाके अमित शाह नूं 50% BSF दे हवाले साडा पंजाब कराए, ओहदे बाद भावे पंजाब यूनिवर्सिटी नूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गल होए या फिर साडे पानिया च BBMG ने साडा मैंबर हटाता, हुण चंडीगढ़ च हरियाणा दा ओह करन वास्ते जिहड़ा उहनां नूं जमीन दित्ती, किसे चीज च सरकार पंजाब दी हक्कां दी तां लड़ाई लड़ी नहीं रही है। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਦਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੜੈਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਪੰਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਪੈਪਸੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 219 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ 14-15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 4th-5th ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਨਖਾਹ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ 12 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵੀ ਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 27-28 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ PRTC ਫਰੀ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 27 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਆ ਘਾਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ MC ਦੀ ਸੱਸ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
वीडियो सोशल मीडिया से वायरल होने तो बाद पुलिस हरकत च आई और इस औरत नू उसके साथी समेत काबू कर लिया। इस मामले संबंधी SSP अवनीत कौर सिद्धू ने दसिया कि इस वायरल वीडियो बारे जब जानकारी मिली तो तुरंत ही इस गंभीरता दे नाल लैंदे हुए उन्हां वल्लों खुद पुलिस पार्टी दे नाल छापेमारी की गई ते दोषियों नू काबू किया गया। जी हाँ, जिस तरह पिछले सैटरडे आप फरीदकोट में एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया, उस दे तहत ही साड़ी लड़ीवार असी जिस तरह पहला भी कहा फरीदकोट में एवं सर्च ऑपरेशन असी जारी रखांगे, पर दो दिन पहला साडे कोल हेल्पलाइन नंबर ते एक वीडियो आई जिदे विच कि कोटकपुरा के जलालियाना रोड दियां जो लेडीज हैगियां ओह कुड़ियां बनाउंदियां हुई नज़र आ रही। सो उस ते भी असी इमीजिएटली एक्शन लैंदे हुए ये जो सर्च ऑपरेशन से असी उस रोड का प्लान किया जो कि काफ़ी सक्सैसफुल रहा। उत्थे इलाके विच इहदा बहुत अच्छा इंपैक्ट भी गया है, लोकल लोगों ने भी सानू उन्होंने अच्छा लग्या कि इस तरह के ऑपरेशन जोड़े चलते रहने हैं। उत्थे उन्होंने एक लेडी असी अरैसट की, एक बंदा अरैसट किया, और जी लेडी वो नज़र आ रही है उन्होंने भी नॉमीनेट किया गया। नशे को लेकर साड़ी बहुत स्ट्रोंग ड्राइव चल रही हैगी है, लगातार जोड़े है उपराले किए जा रहे हैं नशे के अगेंस्ट और जो ड्रग पैडलर्स है उन्होंने अगेंस्ट भी। मैनू भी 3 महीने हो गए इतने ज्वाइन किए, सो उस 3 महीनों में असी 78 केसिस किए हैं रजिस्टर और 119 बंदे जोड़े है अरैसट किए ड्रग पैडलर्स। उस तो अलावा इन्हों के खिलाफ बहुत सारे सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा चुके हैं जिदे विच कि आई थिंक 56 जोड़े है सर्च ऑपरेशन असी किए हैं, जोड़ी सुबह की रेड्स होंगे है जो ड्रग हॉटस्पॉट्स मने जाते हैं। सो उन्होंने कितने कितने सानू रिकवरीज भी हुई है। सो बहुत ही स्ट्रोंग लैवल से साड़ी जी मुहिम चल रही है। इस दे नाल नाल असी सोशली भी अवेयरनैस जी है कर रहे हैं पिंडां विच जाके, उत्थे भी साडे जिहड़े सांझ वल्लों सैमीनार्स लगाए जा रहे हैं। पिछले दिन असी एक हफ्ते लिए स्पेशल नुक्कड़ नाटक भी लगवाए थे जिदे विच कि 15 पिंड असी कवर किए हैं, 15 जगह पर अलग अलग जगह पर जिन्हां विच पिंड आ गए, स्टेडियम्स आ गए, स्कूल्स आ गए, कॉलेजेस आ गए जिथे जाके या पब्लिक प्लेसिस उत्थे जाके असी नुक्कड़ नाटक वाली एक टीम बुलाई हुई थी चंडीगढ़ तो। सो उन्होंने उत्थे जाके जिहड़ी हैगी है सोशल अवेयरनैस जिहड़ी हैगी है करन दी कोशिश की है। वह अवेयरनैस करन दा मकसद ये नहीं हैगा कि जिहड़े नशे हैगे उन्होंने असी फड़ नहीं रहे, उन्होंने बचाने लई एक उपराला हैगा जिहड़े बच्चे हले उस रस्ते ते नहीं तुरे है तां कि उन्हां बच्चों नू उस यूथ नू मापिआं नू सारिआं नू दस्सिआ जा सके कि नशे दे किन्ने बुरे प्रभाव है। कई बार माड़ी संगत करके पेयर प्रैशर करके दोस्तों मित्रों के नाल उठन बैठन करके बच्चा जिहड़ा हैगा नशे करन लग जांदा है। सो वो जिहड़ा नुक्कड़ नाटक वाला या जो सोशल अवेयरनैस साडी चलदी है उहदा इह मकसद हुंदा है वी असी बच्चों नू पहलां तों ही सुचेत कर सकीए कि इस रस्ते ते ना तुरे। पिछले 3 महीनों अगर आप गल करिए हैरोइन की तो 550 ग्राम जोड़ा है हैरोइन की रिकवरी हुई है। उस तो अलावा ओपीएम की 3 किलो 750 ग्राम, पॉपी हास्क 80 किलो 700 ग्राम, जोड़े गोलियां है 47,380 गोलियां की रिकवरी हुई है, 1 किलो 400 ग्राम नारकोटिक नशीला पाउडर की रिकवरी हुई है, और जिहड़ियां 5 सिरप बॉटल्स और 11 लाख ड्रग मनी जिहड़ी है रिकवरी हुई है। इहदे विच 119 दोषी अरैसट किए गए, 78 केस रजिस्टर होए, 119 दोषी अरैसट। श्रीलंका विच सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों वालों लगातार प्रदर्शन जारी हैं जिसनों लैके एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। उत्थे ही रानिल विक्रमसिंघे नूं कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया है जो कि तोड़फोड़ तो बहुत नाराज हैं। उन्होंने श्रीलंका की फौज और पुलिस को हुक्म दिता है कि वह इन्हां नाल नजिठण लई जो भी जरूरी समझे वह करन तां जो देश विच कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। उत्थे ही श्रीलंका दे राष्ट्रीय टीवी चैनल रूप वाहिनी कारपोरेशन दा प्रसारण भी बंद हो गया है। दरअसल प्रदर्शनकारी अज कोलंबो विच चैनल दे दफ्तर पहुंचे, इस दौरान चैनल ने इस दा प्रसारण मुअत्तल कर दिता। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले विच 5 जुलाई नूं दिल्ली तों लियांदे गए शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी केशव कुमार, कशिश कुमार अते दीपक टीनू दा 8 दिना पुलिस रिमांड खत्म होने बाद अज मानसा दे सिविल हस्पताल विखे मैडिकल चैकअप करवाया गया, जिस तों बाद सख्त सुरक्षा प्रबंधा तहत मानसा दी अदालत विच पेश कीता गया जिथे अदालत वालों इन्हां चारों दोषियों दा 4 दिना पुलिस रिमांड होर वधा दिता गया अते 17 जुलाई नूं दोबारा फिर मानसा दी अदालत विच इन्हां नूं पेश कीता जाएगा। IGI एयरपोर्ट अते जनरल कस्टम कमिश्नर ने जानकारी देंदे हुए दस्या कि वियतनाम तो आए एक भारतीय जोड़े नूं काबू किया गया है अते उन्हां कोलों 22 लख तों वध मुल दी 45 पिस्तौलां जब्त कीतियां गईयां हन। उन्होंने 12 लख तों वध दी कीमत दीयां 25 बंदूकां दी तस्करी च अपनी शमूलियत मन्नी सी। इह पता लगाउण लई जांच कीती जा रही है कि बंदूकां असली हन जां नहीं। अतवाद विरोधी यूनिट नैशनल सिक्योरिटी गार्ड जो मामले की जांच कर रही है दी रिपोर्ट विच कहा गया है कि बंदूकां पूरी तरह असली लगदियां हन। रिपोर्टां मुताबिक गिरफ्तार किए गए जोड़े की पहचान जगजीत सिंह अते जसविंदर कौर वजों हुई है जो कि पति पत्नी हन।
BSF की 183 बटालीयन वालों भारत पाक कौमांतरी सरहद से 2.5 किलो हैरोइन बरामद की गई है। मिली जानकारी अनुसार यह बरामदगी अज सवेरे हुई है। इसकी कौमांतरी बाजार में कीमत 12 करोड़ रुपए तो वधेरे दसी जा रही है। उत्थे ही दूजे पासे STF लुधियाना रेंज ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई नाकेबंदी दौरान एक दोषी को काबू करके उसके कब्जे चो 1 किलो 250 ग्राम हैरोइन बरामद की है। बरामद की गई हैरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार करीब 6 करोड़ रुपए दसी जा रही है। यह ना जी नरेंद्र सिंह मन्ना नाम का लड़का है, मोती नगर का रहने वाला है। ये हैरोइन सप्लाई करने की यदि इनफॉरमेशन आई सी, उस इनफॉरमेशन के आधार पर जोड़ा है ये खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया। तो इनू सुरजीत कलोनी 33 होटा रोड जोड़ा थाना जमालपुर के एरिए फड़िया, ये को कुल 1.25 किलो जी हैरोइन है वो रिकवर हुई है। ये आदि मुजरम है, ये खिलाफ़ पहला भी 2 मुकदमे NDPS एक्ट के 307 वगैरह के दर्ज है। टोटल 5 मुकदमे पहला ये खिलाफ़ दर्ज है, तो 6वां मुकदमा जोड़ा कल ये को जो 1.25 किलो हैरोइन बरामद हुई है उदो दर्ज रजिस्टर किया। सर कितों लिया इन्नी भारी मात्रा च हैरोइन? ये हूँ इनू अज पेश करांगे, उस तो बाद रिमांड के दौरान पता करूगा लगेगा भी कितों ये लैके आता, तो किनू अगे इन्हें सप्लाई करनी सी वो सारा यदा रिमांड के दौरान आप वेरीफाई करांगे। बैकग्राउंड जी नशा करता है तो नशा बेचता है। यदा अब डोप टैसट असी मैडिकल करवाया सी, डोप टैसट भी यदा जो पॉजिटिव आया। ये जो इनफॉरमेशन के मुताबिक ये भी यदि कोई महिला मित्र है उत्थे सुरजीत कलोनी घर यदा आन जाना है, उत्थों भी ये सप्लाई करता सीगा। उस इनफॉरमेशन के आधार पर ही इनू वो घरों निकलद्या जोड़ा असी पुलिस पार्टी ने फड़िया, तो उसका रोल भी असी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वेरीफाई करांगे कि वह जिहड़ी इहदी महिला मित्र है उसका की रोल है। ब्लॉक अमलोह के पिंड सलाना दुला सिंह वाला के सरपंच गुरप्रीत सिंह गुरी वालों गोली मार के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी अनुसार गुरप्रीत सिंह की लाश खेत चो मिली है। पुलिस वालों लाश को सिविल हस्पताल अमलोह के मुरदा घर में रखवा दिता गया है और अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मृतक तो एक सुसाइड नोटिस मिलने की भी चर्चा है। तो इस ही अजीत खबरों का अज का यह बुलेटिन इतें ही खत्म होंदा है। कल तुहाडी खिदमत विच ताज़ा तुरीन खबरों का एक होर बुलेटिन लैके असीं फिर हाजिर होवांगे। तद तक दे लई तुसीं वेखदे रहो अजीत वैब टीवी। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत। ते हाँ, नाल ही दोस्तों नू पेज लाइक करने दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो। ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।